आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप थंबनेल में देख चुके होंगे क्या बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाती है, मतलब भारत से एक दिन पहले पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाती है और भारत एक दिन पीछे स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाती है। मतलब 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और हिंदुस्तान में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। तो चलिए पूरा डिटेल्स देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। पंद्रह अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ ही आजाद हुआ था। पाकिस्तान 14 अगस्त को क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाती है और भारत क्यों 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है। तो चलिए हम बताते हैं सारे वाकई से इसकी इतिहास क्या है। तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए हम जानते हैं इसका इतिहास क्या है। 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास की वो तारीख है जब हमारा देश ब्रिटेन हुकूमत से आज़ाद हुआ था। वहीं इसी दिन पाकिस्तान को भी आज़ादी मिली थी, लेकिन 15 अगस्त के बावजूद पाकिस्तान अपनी आज़ादी का जश्न 14 अगस्त को मनाता है। पाकिस्तान का आज़ादी का जश्न 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को मनाए जाने के पीछे एक कारण छुपा है। दरअसल हुआ था ये कि पाकिस्तान के रूप में एक अलग राष्ट्र की स्वीकृति 14 अगस्त को हो गई। इसी दिन ही ब्रिटिश लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देकर सत्ता सौंपी थी। साल 1948 में पाकिस्तान में आज़ादी की तारीख को 14 अगस्त कर दिया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट का ये भी कहना है कि उस दिन रमजान का 27वां दिन था, जो इस्लामी कैलेंडर के अनुसार खास और पवित्र माना जाता है। इसीलिए पाकिस्तान ने अपना आज़ादी का जश्न हर साल 14 अगस्त को ही पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1948 में पाकिस्तान ने जो पहला डाक टिकट जारी किया था उसमें आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 ही दर्ज है। वहीं पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने 15 अगस्त को ही पाकिस्तान के जन्म की घोषणा की थी। इंडियन रिपोर्ट्स एक्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आज़ाद हुए। एक दिन आज़ाद होने के बाद भी पाकिस्तान को एक दिन पहले ही उसे सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे आज़ादी के लिए, इसीलिए पाकिस्तान एक दिन पहले आज़ादी का जश्न मनाते हैं। दरअसल में दोनों एक साथ ही आज़ाद हुए हैं और पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाती है और भारत जो इंडिया और 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाती है। तो आपको ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और इस तरह का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए तब तक के लिए टाटा टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। Hey, she's